गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा वर्क है, जो हमारा इंग्लिश का वर्क है, वो क्या है? कंपैरिजन। हम कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना करना, कि मतलब बताना कि कौन बड़ा है किससे, कौन कितना किससे छोटा है, कंपैरिजन ये होता है। ओके, तो आज हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ क्या दिए हुए हैं पिक्चर में, देखिए आपको कुछ क्या सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उसको हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कैसे करेंगे। उसमें फोर वर्ड्स हमें फिल करने हैं। कौन कौन से? स्मॉलर। स्मॉलर का मतलब होता है छोटा होना, कि कौन किससे कितना छोटा है, हमें ये बताना हो जब, तो हम क्या स्मॉलर, स्मॉल का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है टॉलर। टॉलर क्या होता है? कि मतलब कौन किससे लंबा है, लंबा। टॉलर का मींस लंबा होना। उसके बाद लॉन्गर, बड़ा, और ओल्डर, ज्यादा। उस ओल्डर और यंगर का मतलब होता है कि कौन किससे बड़ा है, बड़ा एज में, नॉट साइज में। ओके, क्या होता है, लॉन्गर होता है साइज में बड़ा, और ओल्डर होता है एज में बड़ा। ओके, ठीक है, इस तरह से हमें करना है। तो देखिए यहाँ पर आपकी एक एक्सरसाइज आई हुई है स्क्रीन पर, तो उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले सेंटेंस क्या है, द मैन इज डैश देन द बॉय। देखिए एक मैन की पिक्चर है और एक बॉय की पिक्चर है। अब बताइए जो मैन है वो बॉय से एज में बड़ा है या फिर छोटा है। तो हम यहाँ पर एज के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कौन सा वर्ड यूज करते हैं, लॉन्गर या फिर ओल्डर। यस, ओल्डर हम क्या यूज करेंगे इसमें, ओल्डर। द मैन इज ओल्डर देन द बॉय। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो सेकंड सेंटेंस है, ए चेयर इज डैश देन अ बेड। अब देखिए बेड और चेयर की पिक्चर दी हुई है, चेयर छोटी है, बेड बड़ा है। हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो चेयर है वो बेड से क्या है, छोटी है। तो छोटा बताने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, स्मॉलर। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, स्मॉलर। तो हम यहाँ पे क्या, द ए चेयर इज स्मॉलर देन अ बेड। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड हमारा सेंटेंस है वो क्या है, यामिनी इज डैश देन हर ब्रदर। अब यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक मतलब कि बहन भाई हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, वो क्या है, जो यामिनी है वो एज में और क्या है, हाइट में बड़ी है, हाइट में बड़ी है, और जो उसका ब्रदर है वो क्या है, छोटा है। तो जब कोई हाइट में बड़ा होता है, मतलब कि लंबाई में लंबा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, टॉलर। क्या बोलते हैं, टॉलर। तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पर, यामिनी इज टॉलर देन हर ब्रदर। ओके, अब यहाँ पर फोर्थ और हमारा लास्ट सेंटेंस क्या है, अ रैबिट हैज डैश ईयर्स देन अ कैट। अब यहाँ पे एक रैबिट की पिक्चर है और एक कैट की पिक्चर है। इसमें हमें क्या बताना है कि जो रैबिट के ईयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैट के ईयर से लंबे होते हैं। ओके, तो अब हम लंबे बताने के लिए क्या यूज करेंगे, लॉन्गर, बड़े, लॉन्गर। ओके, तो इस तरह से आपको ये फोर सेंटेंस करने हैं कंपैरिजन के, अच्छे से समझ के हमें कहाँ करने हैं, ये आपको बुक में फिल करने हैं। ओके, और नोटबुक में भी राइट करने हैं। थैंक यू।